कैलाश के उत्तम शिखर पर बैठकर उपमन्यु जी भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को बहुत सारी बातें सुना रहे हैं और कृष्ण जी सुन रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है उनको। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराणे और शौनक जी का संवाद है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और नारद जी का सुंदर संवाद है, और यहाँ संवाद चल रहा है उपमन्यु ऋषि और द्वारकाधीश का। सुंदर बात कही है, कल जो हमने सुना था महाबाहु, अनेक पदार्थों से युक्त यह सारा विश्व भगवान सदाशिव जी ने प्रसाद से उत्पन्न किया है। भगवान शंकर की कृपा से, उनके प्रसाद से ये सारा विश्व, सारा जगत इस सृजन हुआ है, ऐसा उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को कहा है। और आगे कहा, मुझे तो सदा शिव की कृपा से भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है। उपमन्यु ने कहा, मैं तीनों काल का ज्ञान, मेरे पास ज्ञान है, जिन्हें तत्वतः मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता। और त्रिकाल ज्ञानी बहुत कम रहते हैं, सबको त्रिकाल ज्ञान नहीं होता। भूत भविष्य और वर्तमान, जिनको सब कुछ पता रहता है, ऐसे महापुरुष, ऐसे ऋषि बहुत कम रहे हैं। तो यहाँ उपमन्यु जी ने कहा है, मुझे भगवान शिव की साधना से, भगवान महादेव की उपासना से ये मुझे कृपा मिली है कि मैं त्रिकाल ज्ञानी हूँ।